السلام علیکم گائز، اٹس می عمران خان اور ایڈفرڈ شاپ کے ایک نیو ٹیوٹوریل کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح بیک گراؤنڈ امیج چینج کر سکتے ہیں، کسی بھی پکچر کا ہم بیک گراؤنڈ کس طرح چینج کرتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم ایڈو فوٹو شاپ کو اوپن کر لیں گے۔ ایڈ فوٹو شاپ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم اپنے وہ امیج لیں گے جس کا ہم نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسے ہم ان لاک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم لیسر ٹول، ہمارے پاس جو ہے نا تین ٹولس ہیں، لیسر ٹولس، پولیگونل لیسر ٹولس، میگنیٹک لیسر ٹول، کوئی بھی آپ سلیکٹ کر لیں، میں پولیگونل لیسر ٹولس سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے پاس سلیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ کنٹرول ڈی سے آپ سلیکشن ہٹا سکتے ہیں۔ جب دیکھنے کے سے پوری امیج سلیکٹ ہو جاتی ہے، تو جتنا اس سے ہم نے کرنا تھا اس کے بعد ہم باقی ہم لیسر ٹول سے کریں گے، میگنیٹک لیسر ٹول سے۔ اگر سپوز سلیکشن یہاں لگ جاتی ہے، اب اسے ایک اسٹیپ بیک کرنے کے لیے ہم بیک اسپیس دبائیں گے تو یہ ایک اسٹیپ بیک ہو جائے گا۔ یہ اب دیکھنے کا اگر ہم ربڑ سے بیٹھا ہے تو اس کے نشان ہمارے پاس ڈاٹ ڈاٹ سے رہ جاتے ہیں، تو ہم نے میگنیٹک لیزر ٹول سے ہی اسے ریموو کر سلیکٹ کر کے
कंट्रोल डी से हम सिलेक्शन हटा लेंगे और इसके बाद बड़े ही केयरफुल से आपने इसकी सिलेक्शन करनी है।
अभी ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है सिलेक्शन। इसकी बैकग्राउंड में जो इमेज हमने रखनी है, जो भी बैकग्राउंड इसका रखना है वो हम रख लेते हैं, उसमें जो उसके बाद हमें जो चीज़ें करनी होगी वो हम कर लेंगे। टूल सेलेक्ट करके एक क्लिक का बटन दबा के हम इस तरह हम इसे खींच लेंगे। तो अब देख लेंगे हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। देख लेंगे इनकी जो हेड है यहाँ पे, ये थोड़ा सा वाइट नजर आ रहा है, तो ये भी हमने सेट करना है। तो हम जूम इन कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे तो हमें नज़र नहीं आ रहा था सही तरह से, तो इस वजह से हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने बाकी सेटिंग कर लेंगे। अब ये काम हमारे पास इस लेयर पे हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये लेयर सेलेक्ट है, बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं है, इसलिए बैकग्राउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो लेयर हमारे पास सेलेक्ट होगी काम उसी लेयर पे होगा हमारे पास, और चेंजिंग वगैरह भी उसी लेयर पे होगी जो आप करना चाहें। सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल करना है, केयरफुल रहना है। बाद हमारे पास ये शार्पन टूल है, हम यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे ताकि इसके बालों पे जो हमारे पास ये वाइट नज़र आ रही है ख़त्म हो जाए, इसे ब्लू रंग कर लेंगे। उसके अलावा आप चाहे तो इनके बालों का कलर और कपड़ों का कलर, शर्ट वगैरह का, पैंट वगैरह का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था हाउ टू चेंज। सो ऑलमोस्ट हमारे पास ये बन चुकी है मैच। इसके अलावा अगर आप इन्हें वाइट करना चाहते हैं तो आप एक और न्यू लेयर ले लें,
select adjustment layer, saturated is previous, okay. सॉरी, यहाँ से हमें एडजस्टमेंट लेयर कर्व में जाना था, यूज प्रीवियस लेयर, ओके। आई कमिटेड अ मिस्टेक, यहाँ पे हमने न्यू लेयर नहीं लेनी थी, और अब जाके हमने यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट लेयर कर्व पे जाना है, अब यहाँ से चेक कर लेना है, ओके। तो आप जिसे जितना वाइट करना चाहे अब यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर यू बीइंग अटेंशन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू दी एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल और एनी ट्यूटोरियल, सो आप लोग कमेंट कर दें, इंशाल्लाह श्योरली विल हेल्प यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फी अमानिल्लाह।